बेबे घर में बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाती है और वो साहिबा को बोलती है और उसे बधाइयाँ देती है और समझाती है अपनी बहू मनवीर को। वो उसे बोलती है कि साहिबा से ऐसे बातें मत करो और ऐसे रिएक्ट मत करो, जो हुआ अच्छी खबर है, वहाँ पर हमें खुशियाँ मनानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दारजी भी बोलते हुए दिखाई देते हैं। दारजी कहते हैं कि मैं जानता हूँ मनवीर, तुम साहिबा से तुम्हारी नहीं बनती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसी खुशियों को भी तुम ऐसे नज़रअंदाज करो और ऐसे वहाँ पर भी ऐसे मूड ख़राब करो, खुशियाँ मनानी चाहिए। वो सबको बोल देते हैं कि कान खोल के सुन लो, साहिबा की किसी भी बात में कमी नहीं होनी चाहिए, उसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। सब लोग ऐसे समझाते हैं, तभी वहाँ पर जसलीन बोलती है और जसलीन मन में सोचती है कि ऐसा देख के लग रहा है कि अंगद को भी अभी पता चली है। अंगद के हाव भाव यही बता रहे हैं कि साहिबा ने ये बात अंगद को भी नहीं बताई थी। तो आप देखते हैं कि जसलीन सबके सामने बोल देती है कि अंगद को सबके सामने पता चला है, इसका मतलब साहिबा छुपा रही थी अंगद से भी। तब बीर की माँ यानी कि अंगद की चाची उसकी मदद करती है और उसका सपोर्ट करती है कि मैंने भी ऐसे बीर के होने पर नहीं बताया था, ये तो कोई बात नहीं हुई।